यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पूर्व प्रधान के बंद पड़े मकान में असलाह बनाने की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर मौके से बने अदबने असलहे बनाने के उपकरण बरामद कर पूर्व प्रधान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार धरपकड़ में जुटा है। इसी कड़ी में पुलिस ने पुख्ता सबूत के साथ मिली जानकारी के बाद अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने के लिए छापेमारी कार्रवाई की। बताया जाता है फैक्ट्री में पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथियारों का जखीरा तैयार किया जा रहा था। प्रेमनगर निवासी पूर्व प्रधान राम दुलारे के घर के पीछे अर्धनिर्मित मकान में अवैध हथियारों के कारखाना होने की जानकारी पुलिस को मुखबिरों से मिली। कायमगंज कोतवाली पुलिस ने अपने सूत्र लगाकर जानकारी को और पुख्ता किया। जब पक्की जानकारी हो गई तो पुलिस ने दबिश देकर बड़ी मात्रा में तमंचा बरामद किया। छापेमार कार्रवाई में अवैध राइफल भी बरामद हुई। शस्त्र बनाने के सभी उपकरण मिले। छापेमार कार्रवाई में कायमगंज कोतवाली के कोतवाल संजय कुमार मिश्र, उप निरीक्षक संतोष कुमार, मंडी चौकी इंचार्ज आनंद शर्मा सहित पुलिस बल शामिल था। पुलिस ने अवैध हथियार और शस्त्र बनाने के उपकरण कब्जे में लिए। डीएसपी राजवीर सिंह गौड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पूर्व प्रधान राम दुलारे निवासी प्रेम नगर के पुराने बंद घर से अवैध असलाह व अन्य उपकरण बरामद किए गए। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पंचायत चुनाव को सफल संपन्न कराए जाने के लिए अपराध रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत आज दिनांक 12/4/2021 को कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दसिया छलौली में पूर्व प्रधान के बंद पड़े मकान से अभियुक्त दुलाराम निवासी हरियापुर थाना कंपिल व दुलारे निवासी प्रेमनगर थाना कायमगंज को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6 तमंचा 315 बोर, 1 देसी राइफल, 1 तमंचा 12 बोर व शस्त्र बनाने की अवैध फैक्ट्री बरामद की गई है, जिस पर कोतवाली कायमगंज में विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।